हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है किल डैनजी। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि आकी और उसकी टीम एक डेविल को मारने के लिए होटल के अंदर आती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बार बार 8th फ्लोर पर ही पहुंच रहे थे। हिमेनो अब खुद भी नीचे के फ्लोर पर जाती है, लेकिन सब उसे ऊपर के फ्लोर से आता हुआ देखते हैं। अब आकी लेफ्ट साइड वाले एक कमरे में एंटर करता है और देखता है कि कमरे में दीवार की जगह एक विंडो थी जो कि दूसरे कमरे में जा रही थी, और फिर आकी राइट साइड वाले कमरे की तरफ से वापस उसी जगह पहुंच जाता है। यानी कि ये कुछ भी कर लें, घूम फिर कर इसी 8th फ्लोर के हॉल में ही आ जाएंगे। अब सभी एक कमरे में बैठकर सोचने लगते हैं कि ये जरूर कोई डेविल का ही काम होगा। वो लोग खिड़की से कूद कर भी यहाँ से नहीं निकल सकते, और डैनजी ने छत में से निकलने की भी कोशिश की, लेकिन वापस 8th फ्लोर पर ही आ गया। डैनजी बोलता है कि ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि पावर ने उस डेविल को मार दिया था। ये सुनकर पावर फिर झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने उसे डैनजी के कहने पर मारा था। आकी कहता है कि किसी डेविल के मरने के बाद उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, तो ये किसी दूसरे डेविल का काम है जिसने चालाकी से पहले उस छोटे डेविल को हमारे सामने भेजा था और हम उसके जाल में फंस गए। अब कोबेनी रोते हुए बोलती है कि वो सब भूख से यहीं पर मरने वाले हैं। हिरोकाजू बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम अपने भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए डेविल हंटर बनी थी ना। जिस पर कोबेनी रिवील करती है कि उसकी फैमिली ने उसे जबरदस्ती डेविल हंटर बनाया है ताकि वो उसके बड़े स्मार्ट भाई को कॉलेज भेज सके, और कोबेनी के पास सिर्फ दो ही जॉब्स के ऑप्शंस थे, या तो डेविल हंटर बनना या फिर एक प्रोस्टिट्यूट बनना। वो भी कॉलेज जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब वो यहाँ मारी जाएगी। पावर कोबेनी को रोता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। हिमेनो कोबेनी को चुप करते हुए कहती है कि डेविल्स को डर बहुत पसंद है, तो उसे डरना नहीं है। वहीं आकी नोटिस करता है कि इस फ्लोर के कमरे की सभी घड़ियां 8:18 पर रुकी हुई हैं, यानी कि उनके साथ साथ समय भी इस फ्लोर पर रुका हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई भी उन्हें बाहर से बचाने नहीं आने वाला। ये सुन डैनजी खुश हो जाता है, इसका मतलब कि हम जितना चाहें सो सकते हैं। ये सुन हिरोकाजू उस पे गुस्सा करता है, और डैनजी बोलता है कि बाहर जाने का कोई रास्ता मिले तो मुझे जगा देना, और वो सच में सो जाता है। ये देख बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। अब कुछ देर बाद हिमेनो डैनजी को जगाती है और बताती है कि यहाँ पर बिजली और पानी अब भी आ रहे हैं, साथ ही सभी फ्लोर्स में से उन्होंने थोड़ा फूड भी इकट्ठा कर लिया है। सब लोग थक चुके हैं और आकी बिना रुके उस डेविल को खोज रहा है। हिरोकाजू डर के मारे एक कमरे के अंदर बैठा है। कोबेनी पैनिक करके टॉयलेट का पानी पीने वाली थी, तो हिमेनो ने उसे बेहोश कर दिया है। पावर ने इतने टाइम ये सोचा है कि उसे अब एक नोबल प्राइज जीतना है, क्योंकि उसके बाद सभी इंसान उसे एक गॉड की तरह पूजा करेंगे, फिर वो देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी और खाने पीने की चीजों पर 100% टैक्स लगा देगी। डैनजी बताता है कि ये हमेशा ही ऐसे पागलों की तरह बातें करती है, तो हिमेनो थोड़ी चैन की सांस लेती है। इसके बाद तीनों हिरोकाजू और कोबेनी को देखने जाते हैं, और हिमेनो अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है और बोलती है कि आकी काम पर लगा हुआ है इसीलिए वो इतनी रिलैक्स है। डैनजी बोलता है कि आकी भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है, जिस पर हिमेनो रिवील करती है कि आकी को ये लत उसी ने ही लगवाई थी। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जब आकी और हिमेनो नए नए पार्टनर्स बने थे। हिमेनो आकी से कहती है कि उसे सिगरेट पीना शुरू कर देना चाहिए, इससे लोगों से जल्दी जान पहचान होती है, और वैसे भी डेविल हंटर्स ज्यादा टाइम तक नहीं जीते। आकी कहता है कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है और वो यहाँ दोस्ती करने नहीं आया, और गन डेविल को मारे बिना उसका मरने का कोई प्लान नहीं है। हिमेनो कहती है कि अच्छा है, वैसे भी पार्टनर का मरना काफी सिरदर्द देकर जाता है। इसके बाद एक लेडी हिमेनो को खींच कर थप्पड़ मारती है। आकी पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर हिमेनो बताती है कि वो उसके लास्ट पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी जो कि मर चुका है, और ऐसा कई बार होता है जब किसी मरे हुए हंटर के फ्रेंड एंड फैमिली उनके पार्टनर्स पर अपना गुस्सा निकालते हैं। डेविल का तो वो कुछ नहीं कर सकते, और हिमेनो भी इस पर कुछ नहीं बोलती। अब आकी दौड़कर उस लेडी के पास जाता है और वापस आकर हिमेनो को बताता है कि मैंने उसके कपड़ों में च्युइंग गम चिपका दी है, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और इसीलिए मैंने उस लेडी से बदला लिया। अब वो दिन भर अपने कपड़ों पर च्युइंग गम लिए घूमती रहेगी। ये सुन हिमेनो जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद दोनों डिनर करने जाते हैं, और हिमेनो बताती है कि डेविल्स को उन हंटर्स से डर नहीं लगता जो कि बहादुर या निडर होते हैं, बल्कि उनसे लगता है
जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। इसीलिए हिमेनो को लगता है कि आकी इस जॉब में लंबे समय तक टिका रहेगा, और क्योंकि वो दोनों लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं, तो हिमेनो आकी को सिर्फ एक बार सिगरेट पीने को बोलती है। आकी सिगरेट लेकर बोलता है कि वो ये पहली और आखिरी बार कर रहा है, और उस दिन के बाद से ही आकी को सिगरेट पीने की बुरी लत लग गई। अब इधर प्रेजेंट में आकी हिमेनो से सिगरेट मांगता है, लेकिन उसके पास अब एक भी सिगरेट नहीं बची थी, तो दोनों उस एक सिगरेट को ही शेयर करने लगते हैं, जो देख डेंजी भड़क जाता है। दोनों उसे इग्नोर करते हैं और आकी बताता है कि उसके पास एक बुरी खबर है, जो डेविल उन्होंने मारा था वो अब बहुत बड़ा हो गया है। सभी हॉल में आकर देखते हैं कि वो डेविल साइज में 100 गुना बढ़ गया था और बहुत ही भद्दा लग रहा था। अब ये डेविल बोलता है कि उसके पास इन लोगों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वो डेंजी नाम के इंसान को जिंदा या मुर्दा उसे खिला दें, तो वो बाकी सभी को यहाँ से आजाद कर देगा। ये सुनते ही कोबेनी एक चाकू लेकर डेंजी को मारने दौड़ती है, लेकिन आकी और हिमेनो उसे बचा लेते हैं। इसके बाद आकी अपने फॉक्स डेविल से उस डेविल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फॉक्स डेविल नहीं आता क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। इसके बाद हिमेनो अपना घोस्ट हैंड यूज करने लगती है, जिससे डेविल को बहुत दर्द होता है, लेकिन इसके साथ ही वो साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। डेविल बोलता है कि कोई फायदा नहीं होगा, ये मेरी मेन बॉडी नहीं है, तुम्हें यहाँ मेरा दिल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम सब मेरे पेट के अंदर हो और यहाँ मेरी कोई कमजोरी नहीं है, तो यहाँ से जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मुझसे डील कर लो। डेंजी बोलता है कि मुझे खाने के बाद ये अपने वादे से मुकर भी तो सकता है। हिमेनो बताती है कि ऐसा नहीं है, जब भी कोई डेविल और इंसान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उन्हें उसे पूरी तरह से निभाना पड़ता है, और दोनों पार्टी में से कोई एक अगर अपने वादे से मुकर जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। अब हिरोकाजू भी कहता है कि हमें इस डेंजी को मार देना चाहिए, और यहाँ से निकलने के बाद हम डेविल को मारने का कोई और प्लान बना सकते हैं। आकी बोलता है कि डेंजी की मौत से जरूर इस डेविल को कोई बड़ा फायदा होने वाला है, इसीलिए हम डेंजी को नहीं मार सकते, और हिमेनो भी आकी के साथ होती है। पावर भी कहती है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो उसे उसका नोबल प्राइज कैसे मिलेगा। आकी बोलता है कि अगर पावर डेंजी को मारती है तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक फीड डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, हम डेविल हंटर्स हैं और डेविल को ही मारेंगे। अब कुछ देर बाद हिमेनो पूछती है कि आकी कोई रास्ता मिला क्या। आकी बोलता है कि हम डेंजी को नहीं मार सकते और ना ही इस डेविल को, तो अगर कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं अपनी तलवार यूज करूंगा। ये सुनते ही हिमेनो आकी को मना कर देती है। डेंजी पूछता है कि अगर ये तलवार यूज करके हम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता है तो तुम उसे मना क्यों कर रही हो। हिमेनो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए यह तलवार यूज नहीं करेगा, और अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो डेंजी को मार देंगे। इधर हिरोकाजू देखता है कि उनका जमा किया सारा फूड पावर अकेले ही खा गई है। वहीं कोबेनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। वो कहती है कि पावर की वजह से वो यहाँ फंसे हुए हैं। हिरोकाजू उसे शांत करने की कोशिश करता है, तो कोबेनी उस पर भी इल्जाम लगाती है कि वो डेविल्स के साथ मिला हुआ है, और उसे मारने दौड़ती है, जिससे हिरोकाजू जोरों से चिल्लाने लगता है, और उनके डर की वजह से वो डेविल और ज्यादा बड़ा होकर डेंजी आकी और हिमेनो के पीछे लग जाता है और कहता है कि मेरा नाम इटर्निटी डेविल है और मैं ही चेन सॉ को मारूंगा। इसके बाद ये पूरा फ्लोर भी टिल्ट हो जाता है। कोबेनी और हिरोकाजू डेंजी को मारने के लिए चिल्लाते हैं। अब आकी अपनी तलवार यूज करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन हिमेनो उसे अपने घोस्ट हैंड से जकड़ लेती है और बताती है कि अगर आकी अपनी तलवार यूज करेगा तो उसकी जिंदगी से कई सारे साल खत्म हो जाएंगे, यही उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और हिमेनो ऐसा नहीं चाहती। अब हिरोकाजू डेंजी को पकड़ लेता है और कोबेनी डेंजी को चाकू मारने ही वाली है, लेकिन अचानक से आकी सामने आ जाता है, जिससे वो चाकू आकी को लग जाता है और उसका खून बहने लगता है। आकी कहता है कि डेंजी भले ही एक घटिया इंसान हो, लेकिन वो गन डेविल को मारना चाहता है। आकी खुद से ये काम कभी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो चाहता है कि डेंजी जिंदा रहे, भले ही इसमें आकी की जान क्यों ना चली जाए। अब डेंजी पावर से कहता है कि वो आकी का खून बहने से रोके, क्योंकि वो एक ब्लड डेविल है। पावर कहती है कि खुद का ब्लड तो वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन दूसरों के ब्लड को कंट्रोल करना मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आकी मर गया
तो उनके घर पर खाना कौन बनाएगा। अब हिमेनो ये सोचकर डरने लगती है कि आकी भी मर जाएगा और वो रोना शुरू कर देती है। कोबेनी बोलती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब डेंजी की वजह से हुआ है, अगर इसे डेविल खा ले तो ये सब खत्म हो जाएगा। डेंजी कहता है कि ठीक है, लेकिन बिना लड़े तो मैं नहीं मरने वाला, और अगर बाय चांस मैंने इस डेविल को मार दिया तो मुझे वादे के मुताबिक वो किस चाहिए। अब डेंजी को समझ आ गया था कि ये डेविल चेन सॉ से डरता है, इसीलिए उसने बाकी लोगों से डेंजी को मारने को कहा, और इसे कटने पर दर्द भी होता है। तो डेंजी अपनी चेन सॉ से इस डेविल के अंदर इतना खौफ पैदा कर देगा कि ये खुद ही मर जाए। फिर डेंजी आकी से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, लेकिन मैं अब किसी का एहसान नहीं चाहता, और एक बार यहाँ से निकलने के बाद हम बराबर हो जाएंगे। इतना कहकर डेंजी अपनी चेन सॉ चालू करता है और उस एटर्नेटी डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या डेंजी इस एटर्नेटी डेविल को मार पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, शुक्रिया।